होशियार? मुन्नू होशियार? हमसे होशियारी, अब तू भी मरेगा। प्रद्युमन साहब, आपके सीआईडी इंस्पेक्टर दया को अहमदाबाद में ऐसा क्या काम आ गया जो उसने हमें बताया नहीं और यहाँ के खून करने लगा? वही तो, उसने हमें भी इन्फॉर्म नहीं किया। ये दया अपने आप को समझता क्या है? एक मामूली सीआईडी इंस्पेक्टर छे, अहमदाबाद पुलिस नु नाम खराब करी ना क्यों? तीन तीन खून कर दिए उसने। समझ में नहीं आता दया ने ऐसा किया क्यों? इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है सर? उसने जिस आदमी का खून किया है वो कोई गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं है, एक ऑर्डिनरी एक्टर है। नाटकों में नाना मोटा रोल करतो तो थिएटर एक्टर। हाँ, बेचारो गरीब छोकरो तो। राणा, तुम्हें हमारी मदद कर दो। हाँ हाँ, मैंने पता लगा दिया वो थिएटर कहाँ है। हो गया। I'm sorry, Shreya. मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले नहीं जा सकता। पता नहीं इस कांड में कौन कौन शामिल है, पर अगर इस गोली को नहीं निकाला ना तो जहर फैल जाएगा शरीर में। अब तुम्हें आराम होगा। थैंक यू सर। मैं इतना दर्द इसलिए बर्दाश्त कर पाई क्योंकि आप मेरे पास थे। तुम बहुत बहादुर हो श्रेया। एक काम करो श्रेया, तुम मेरे दोस्त आशीष के घर में आराम करो, तब तक मैं अभिजीत को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। पकिया मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस पकिया को ढूंढना होगा या फिर उसके साथियों को। मैं ध्यान की मारा आपके हाथ का सारी नजूर, मारा हाथ हाथ भरना आंगड़ा बेटा जो आंगड़ा भरना बेटा अंदर टुंको था तो एवं लागू ती हम मस्त नहीं रात हती। मैं भंडक क्या माती पत्रानी बैग काढ़ी, इमा घरना ने खेतरना जूना दस्तावेज हता, नहीं मारा अंगूठा नी साफ और फुल साइज नो हतो ध्यान ना अंगूठा नी साफ। मैं कोरा कागज पर नवी अंगूठा नी साफ पाड़ी, दस्तावेज नी अंगूठा नी साफ हारे नवी साफ ने सरखावी। आपको पहले कभी देखा नहीं सर? हाँ साहब, इतने मार तो सर कुछ काम था। हाँ, सार्थक तुम्हारे इस ग्रुप में काम करता था ना? हाँ सर, बहुत अच्छा लड़का था सर, बहुत अच्छा लड़का। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पर ऐसा कोई आदमी है जो सार्थक का जिगरी दोस्त था? हाँ सर है ना, जयग्रथ, ये उसका अच्छा दोस्त है सर। बुलाओ उसे। इधर आना। क्या हुआ? ये लोग सार्थक के बारे में बात कर रहे हैं। तुम सार्थक के अच्छे दोस्त हैं ना? जी सर। देखो जगरीब, हम लोग सीआईडी से हैं, सार्थक के साथ क्या हुआ ये हमें ढूंढ निकालना है। तुम ये बताओ कि सार्थक उस गली में पहुंच कैसे गया जहां उसकी मौत हुई थी? पता नहीं सर, वो वहां क्या करने गया था, हम लोग तो कांकरिया गए थे। हम लोग? तुम साथ में थे सार्थक के?
जी सर। तुम लोग वहाँ काकरिया क्या करने गए थे? सर सार्थक मेरे पास आया और कहने लगा मुझे कुछ काम मिला है। क्या क्या काम मिला उसे? वो नहीं बताया सर। अरे एक्टर को एक्टिंग के अलावा और क्या काम हो सकता है? सर जिसने उसे काम दिया था उसी ने उसे काकरिया बुलाया था सर। लेकिन था क्या काकरिया में? मालूम नहीं सर। सार्थक कहने लगा मुझे डर लग रहा है, तू भी आ जा साथ में। कोई खतरनाक काम था? शायद से ऐसा ही होगा। तो मिला वो आदमी काकरिया में? हाँ सर। वो आदमी वहाँ काकरिया में काम करता है क्या? बोल पकिया कहाँ है? बोल पकिया। कौन पकिया? देख मेरे सर पे खून सवार है, ये ऐसा ना हो कि मेरे हाथों एक और खून हो जाए। जल्दी से बता वरना पहचान निकाल दूंगा तेरा। मुझे नहीं पता। नहीं पता? वहाँ सर, वहाँ है वो जगह सर। वहाँ सर। चलो दिखा। यस। यहाँ, यहाँ सर, सर, सर यही जगह है जहाँ पे हम दोनों रुके थे, मैं और सार्थक, और वहाँ, वहाँ वो आदमी सामने खड़ा था सर। वो वहाँ पे खड़ा था? यस सर, वहाँ वहाँ पे। वहीं पे क्यों खड़ा था? सर हो सकता है वहाँ जो दुकानें हैं, उनमें से किसी दुकान में काम करता हो। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर सर उसने इशारा किया, सार्थक को बुलाया, और सार्थक ने मुझे बोला तू यहीं पे रुक। तो तुम यहीं पर रुके, और सार्थक मिलने गया उसे वहाँ पर? जी सर, वो सामने वो रहा सर, सर वो रहा। ये वही है? जी सर वही है ये। ए, तो वही आदमी। तुम रुको जरा, रुको। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम जानते हो इसे? अरे सर ये वही आदमी है। सुनो तुमसे पक्या के बारे में बात हो रही है। रुको। ए, गोली लगी तो नहीं किसी को? किसने मारी गोली? गोली किसने मारी? ए! ए! क्या हुआ है? किसने मारी गोली? पता नहीं। पता नहीं। इसे किसी ने गोली मार दी? ये क्या हो गया? देखो किसने मारी गोली, कहाँ छुप के बैठा है, देखो उसे, छोड़ना नहीं। मरने की तैयारी में है और हंस रहा है। दया कहाँ है? कहाँ है दया? दया तो गया। गया गया कहाँ गया? पतंग में। पतंग में? मारेगा ना गोली, दिख जाएगा तो गोली मार दूंगा दया को। पिता रशिया को जिंदा देखना चाहते हो तो हमें काला चमगादड़ लाकर देना होगा। कल दोपहर 3 बजे एक बैट निकलेगा। अब लगा दो तुम्हारा बाज उसके पीछे। अभिजीत अब देखते हैं है क्या इस बैट में। अभी लाइट ऑफ होगी। सारुंखे ड्रामा बंद कर।
लाइट ऑफ होकर रहेगी। यार तुझे मुंबई से काम करने के लिए बुलाया मैंने, समझा? बैट बैट सजा गया, ये सजा गया। बैट बैट जोर से बोलो, बैट बैट। फॉरेंसिक साइंस में मंत्र घुसी गया। बैट 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 प्यार से बोलो, बैट 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 बैट। तारिका तुम भी बोलो, बैट 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 बैट। अभी लाइट ऑफ होगी, बैट 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 लाइट ऑफ। सूरज और टी? यस सर, सूरज और टी। सूरज, सन, टी, इसका मतलब क्या है? सन और टी नो मतलब सन टेंपल, मोढेरानो सन टेंपल। मोढेरानो सन टेंपल मतलब इस बैट पर लिख के किसी दूसरे तक सिग्नल पहुंचाया जा रहा था, सन टेंपल में कुछ होने वाला है। सन टेंपल चलो। तो मुझे ये बैट चाहिए। दया, यहां दया, तुम क्या? हैंड्स अप दया। सर मैंने उन दोनों सीआईडी ऑफिसर्स को नहीं मारा। झूठ। झूठ नहीं सर, सच बोल रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सोच ही रहा था कि पक्या की जगह दूसरा आदमी कहां से आ गया, तो वहां पीछे से दो लोग आए और देखो गोली चलाने की बात मत करो। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं और ये मेरा बैच है। एक मिनट, ये देखो। नकली बैच लेके घूमते हो? देख लो, खुद देख लो। पहले गन नीचे रख। एक मिनट बोला ना, गन नीचे रख। रखा। फोन दे। फोन दो। दया, अगर श्रेया को जिंदा देखना चाहते हो तो यहां पर आ जाओ। फोन दे। इधर दो, फोन दो। ये फोन लो, इसमें आपके लिए मैसेज है। हमारे लिए? हाँ। फंसा रहा, ये खतरनाक है। नहीं नहीं, खुद ही देखो। गन नीचे रख। देखो तो। दो, इधर दो। वो दोनों पुलिस ऑफिसर नहीं थे क्या? हाँ, मामूली सिक्योरिटी वाले थे। तो फिर उन दोनों ने झूठ क्यों बोला कि वो सीआईडी ऑफिसर्स हैं? वो छोड़ो, दूसरे आदमी को तो मारा ना। उस आदमी के शरीर में जो गोली है, अगर वो मेरी गन से चली है तो मुझे जरूर सजा दीजिए। पर अब तो मुझे लगता है कि मैंने उसे मारा ही नहीं है। तो फिर तुम्हारे ये दोस्त तुम पे गोलियां क्यों चला रहे थे? नहीं सर, वो एक्चुअली वो गोलियां सब नकली थी जी। मुझे मालूम है दया कभी गलत नहीं करेगा। सर मुझे ये बैट चाहिए, मेरे लिए ये बैट बहुत जरूरी है। गया
ये ले तेरा बैट। तुम सीआईडी वालों को लगता है कि भगवान ने सारी अक्ल तुम लोगों में ही बांट दी है? हे भगवान, आज मेरे हाथों से इसका खून मत करवा। कौवे की तरह शाना है तू भी। तुझे बैट चाहिए था, तुझे बैट मिल गया। अब श्रेया को वापस लौटा दे। श्रेया को वापस कर और तू मेरा हलवा बना था। हाँ, तूने प्रॉमिस किया था। हाँ किया था, अब तो उसके सिर्फ वोट ही फटे हैं, दौलों पे सिर्फ कुछ निशान ही पड़े हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी उसके साथ। तूने महाभारत पढ़ा है ना? दुशासन मालूम है? जिसने द्रौपदी की साड़ी पहनी थी। हाँ, भाई, तुझे पता है उसकी मौत कैसे हुई थी? नहीं, शायद भीम ने उसके दोनों टांगों को चीर के रख दिया था, और आज तेरे साथ ही वही होने वाला। अगर मुझे जानता मरेगा तो तुझे श्रेया की भी लाठी मिलेगी। तू वही करेगा जो मैं तुझे कहूंगा। My God, कितना सुंदर है। जैसा सुना था उससे भी सुंदर, अति सुंदर। सर, इस बैट की वजह से तीन तीन लोग मारे गए, श्रेया और उसकी फैमिली किडनैप हो गई, और अब ये बैट हमें यहां लेकर आया है सन टेंपल पे। अभिजीत, अग्घा भगत के कुएं में कुछ बैग जैसा छुपा था, शायद वो बैग यहीं कहीं छुपा है, यहीं कहीं। चलो फैल जाओ। बैग मिल गया सर। अभिजीत, बैग खोलकर देखो क्या है उसके अंदर। सर, बैग तो हीरो से भरा पड़ा है।
हीरे, तो फिर ये वही बैग होगी, वही बैग। पेड़ के नीचे देखो, काली शर्ट वाला, उसके बगल में भी एक जन, छोड़ो मत उसे। मत करना अभिजीत है, अभिजीत पांडू गोली चलाना बंद कर, दिवाली अभी बहुत दूर है समझा, अभी अभी उत्तरायण खत्म हुआ है, चल पटाखे छोड़ना बंद कर। चलो छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। देखो हीरे सही सलामत है सर, किसने भेजा तुझे? क्या ने? अच्छा चोर है, उसने मुझे धोखा दिया है। जब चोर चोर मौसेरे भाई, हीरे मेरे हैं, पक्के ने चुराए थे और उसने यहाँ पे छुपा दिए थे, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम छोड़ेंगे तब ना, अब जेल में बैठना, शायद फांसी पे ही लटकना होगा तुम्हें। अरे ये हीरे कहाँ गए? ए दया, दया रुक जा, दया दया रुक जा, दया दया क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? अभिजीत मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अरे यार दया ये सब क्या है, ये हीरे लेके तुम कहाँ जा रहे? मुझे श्रेया की जान बचानी है। अरे तो हम भी चलते हैं ना, एक सीआईडी ऑफिसर की जान हम लोग नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अभिजीत अगर उन लोगों को पता चला कि पूरी सीआईडी टीम उनके पीछे लगी है तो सबसे पहले श्रेया को मारेंगे। मैं बहुत टेंशन में हूँ इस बात, मैं चलता हूँ, मैं बाकी बातें सब बाद में बताऊंगा। ओके देख लेते हैं, ये रख लो, याद रखना तेरा दोस्त हमेशा तेरे साथ है, जान दे दूंगा तेरे लिए। मैं जानता हूं तुम्हारा ही सहारा है। थैंक्स। दया को तो मैं सीआईडी में से निकाल दूंगा, इस तरह से हीरे लेकर जाना मतलब लूटने जैसा है ना? अभिजीत। ये सर इधर आ। जी सर। आमने सामने बात करने में शर्म आती है, पास में खड़े हो तो फोन क्यों कर रहे हो? फोन? मैं कहाँ फोन कर रहा हूँ सर? तो फिर ये कौन है? ये मेरा ही फोन है सर, लेकिन ये फोन मैंने दया को दे दिया था सर। देख मैं क्या दया फोन कर रहा है। दया फोन कर रहा है? आओ तुम भी सुनो। देखो तुमने वो बैट मांगा, मैंने पूरी कोशिश की,
अभिजीत बैट ले गया, मगर फिर भी मैंने उसे छीन लिया। तुम्हें हीरे चाहिए थे, हीरे लेके आ गया हूँ। अब श्रेया को छोड़ दो। ठीक है, 2 घंटे बाद साबरमती के किनारे मिलना। 2 घंटे बाद साबरमती? ये 10वीं पास सही जाता तुम्हारी इज्जत बची जाती। तेरा काका ने मामा जो केम इंजीनियर ने डॉक्टर बनी ने अमेरिका चली गई। ये तो तू गधेड़ो। तो उसमें क्या है? अमेरिका तुम्हें 3-3 बार गया हूं ने, 3-3 बार। अरे ताई तो वोटिंग 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 बताओ। बेगम साहिबा, भागम भाग पे एक शेर है, अर्ज किया है, लोग यूं ही बेजार हुए नजर आते हैं, बाप बेटे पे डंडा लिए भागे जाते हैं, नदी में नावें चल रही हैं, मगर बेगम हम पे और हम बेगम पे कुर्बान हुए जाते हैं। वो बाप नहीं है, दादा है। ये हमें कदम कदम का गलत फहमी क्यों होती रहती है? सर आपके लिए एक शेर है, अर्ज किया है, अभिजीत बोर ना कर तो काम नहीं बात कर। अरे सर ये इंफॉर्मेशन वाला शेर है, हम किनारे किनारे चिपके हुए थे, लोग बोट के आसपास जमे हुए थे, जिनको ढूंढ रही थी हमारी निगाहें, वो सीढ़ियों के ऊपर से निकल रहे थे। क्या दयावी क्यों? ठीक फरमाया सर आपने, हम बेगम को जरा बोटिंग करा के लाते हैं सर। दया टेंशन में है। हिम्मत तो देखो, खुले आम बदमाशी, सीआईडी का कोई डर नहीं। आइए आइए बोटिंग कर लेते हैं। देखिए बोट वाले भाई साहब, जरा संभाल के चलाइएगा, फूल सी बेगम है, अगर ये मुस्कुरा दे तो हमें इनके कदमों में पाइएगा। तो देखो शेर, शेर नाइक वापस जाओ, पहले मेरा माल दो। शेर पहले मेरा माल दो। एक मिनट, ये लो पहले शेर। अरे पहले मेरा माल दो कहा ना। hey. ए जा शेर को। शेर बोलो ये क्या है सर? एक मिनट भाई साहब, सामने देखो खतरा है। वो जो बोट दिख रही है ना, उसका पीछा करना है। सर श्रेया को बचा लिया। हाँ श्रेया तो बच गई। श्रेया तुम श्रेया को लेकर जाओ, मैं देखता हूँ इनको। ठीक है। शाबाश अभिजीत, अब देखो क्या हालत करेगा ये। चलो मत। गोली मारते हैं लोगों ने।
निकल गया। क्रूर लोग हैं सर, तीन चार दिन से इसे खाने को तक नहीं दिया, पत्थर दिल है सर। ठीक है दया, एक सीआईडी ऑफिसर की जिंदगी में ऐसी मुसीबतें आती रहती। सर श्रेया मरने वाली थी, किस्मत से बची है, आपको इसका कुछ? दया, एसीपी साहब कह रहे हैं कि इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है यार, हम लोगों को भी अफसोस हो रहा है कि श्रेया को तड़पाया गया। ये बात एसीपी साहब ने कहा बोली? यार मेरे कहने का मतलब है अभी देखो दया, मेरे कहने का मतलब ये है कि श्रेया एक सीआईडी ऑफिसर है, ये बात उन लोगों को मालूम थी, फिर भी उन लोगों ने इसे किडनैप किया, तड़पाया। कानून क्या होता है ये सबक मैं इन लोगों को सिखाऊंगा। मैं शेफ, तीन चार दिन तुम वहां पर थी, तो इन तीन चार दिनों में क्या उन लोगों ने तुम्हारे सामने कुछ बातें की? हाँ सर, कभी कभी। कोई काम की बात की? उन गुंडों में से एक किसी रेस्टोरेंट में काम करता। शेयर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उस रेस्टोरेंट से उसको जाके यही बात कितनी बार कहा है तुम्हें, ठंडे दिमाग से काम लेना सीखो। शेयर कौन सा रेस्टोरेंट है? सर वो शिवरंजनी फ्लाईओवर के नीचे किसी रेस्टोरेंट में। शिवरंजनी फ्लाईओवर, कहां पर हो तुम? सर मैं यहाँ हूँ सर, आपके बाई तरफ शॉपिंग मॉल के सेकंड फ्लोर में हूँ सर। वो रेस्टोरेंट वहां नीचे राइट साइड पे है सर। अभिजीत कहाँ है? अभिजीत सर मैं यहाँ पे। सर मैं दो तीन चक्कर लगा चुका हूँ इस रेस्टोरेंट के, मगर वो आया नहीं अभी तक सर, दिखाई नहीं पड़ा। तो अभिजीत रेस्टोरेंट में पूछा नहीं? नहीं नहीं सर, मैंने पूछा, मैंने घुमा फिरा के पूछा, नहीं तो शक हो जाता। मैनेजर से बात हुई थी, रात को एक आदमी ड्यूटी पे आने वाला, शायद वही हो। अरे यार दया यार, तुम तो दूर ही रहना यार। अरे यार अभिजीत, मेरे हाथों में खुजली हो रही है और तुम दूर रहने की बात कर रहे हो। दया कम से कम इसे तो सही सलामत हमारे हाथ में आने दो, समझे? जी सर। हाँ आया सर, आया आया सर। ये वही आदमी है जिसके बारे में श्रेया ने बताया। होटल की तरफ जा रहा है सर। हाँ दिख रहा है। अभिजीत ऐसा घेरा लगा कि भागम भाग ज्यादा ना हो। नहीं 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 सर, मैं बिल्कुल आराम से पकड़ूंगा सर, टेंशन नहीं सर। निकला सर, निकला। हाँ देख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ रोड क्रॉस कर रहा है वो। क्या बात है, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अभिजीत ये मेरा शिकार है। डालो डालो जाना नीचे, छोड़ दो आप। लड़की के ऊपर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हाँ काट दूंगा जमीन पे तेरे को। मुझे तो काट दो, मैंने नहीं किया। शेयर को किडनैप क्यों किया तुमने? क्योंकि उसने देख लिया था। क्या देख लिया? वो आखा बगत कुएं में कुछ देख लिया था। क्या देख लिया था वो मालूम नहीं, लेकिन जो देखा था
वो कल ले जा रहे। कहाँ लेके जा रहे? पर स्टेडियम तो पूरा खाली लग रहा है, यहां पर तो कोई भी नहीं है। भाई साहब एक मिनट, आ गया सर, आपके पास आ गया। आया था क्या? नहीं, पर मुझे तो यहां पर बुलाया था। ठंड बहुत है, चिड़ियों की आवाज सुनो। ये क्या माजरा है? हीरो का ड्रामा लंबा ही चलता है प्रद्युमन साहब। यहां पर तो एक भी नहीं है। चींटियों से बातें करो। मैंने आपसे पूछा यहाँ पर कोई आया था क्या, तो आप मुझसे कह रहे कि मैं चींटियों से बातें करूं। कैसे करूं? अपना मुंह जमीन पे रख दूं? चुपचाप ये बैग नीचे रखो, चींटियों का हेलो भरो और निकल जाओ। अरे अरे बहुत आप ये चश्मा, ये टोपी, ये सब क्या? ओह माय गॉड,
आशीष मेरे आदमियों ने हीरे लूटे थे पर वहां में पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी तो वो हीरे अखा भगत वाले कुएं में छुपाने पड़े श्रेया के दादाजी ने छुपाते हुए देख लिया था अबे श्रेया को क्यों किडनैप किया तूने मुझे बाद में पता चला कि ये एक सीआईडी ऑफिसर इसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था तो फिर दया यहाँ पे आ गया इसने तो मुसीबत ही खड़ी कर दी तो फंसा दिया इसे सार्थक के खून में दया को फंसा दिया तूने वो सार्थक को बोला कि फिल्म की शूटिंग चल रही है हेलमेट पहन के बाइक में बैठ जाओ सब देखा कितना बदमाश है ये एक मासूम नौजवान को मरवा दिया तुमने मालूम है क्या होने वाला है तुम्हारे साथ फांसी पर लटकोगे तुम और जब फांसी पर लटकता है ना तो आदमी की गर्दन लंबी हो जाती है बहुत दर्द होता है बहुत दर्द तीन तीन लोगों का खून करवाया तुमने समझे वो दोनों नकली सीआईडी ऑफिसर्स उनको किसने मारा वो पक्के ने मारा वो छुपा हुआ था वहां पे दया इतना गिरा हुआ इंसान तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया ये तो गंदे नाले के कीड़े से भी बदतर है तो जिंदगी में किसी ना किसी पे तो विश्वास करना ही पड़ता है अगर हम हर किसी पे शक करने लगेंगे तो एक सीआईडी ऑफिसर की लाइफ बर्बाद हो जाएगी दया बिल्कुल सही कह रहा है ये बात है जैसे हमारे एसीपी साहब चित्रोले साहब के ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन चित्रोले साहब जो है यार चित्रोले को क्यों ला रहे हो नहीं सर मैं तो फिलॉसफी झाड़ रहा हूँ फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़